हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? प्रियाज मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खजूर रोल बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। उसके लिए हम आपको बताते हैं शुरू कैसे कर रहे हैं। हम देखिएगा, उसके लिए मैंने आधा किलो खजूर साफ करके उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से लेने, आपको जितने भी डालना चाहें, बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें ड्राई फ्रूट। और खसखस चाहिए। शुगर हमको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ना ही गुड़ डालना है, क्योंकि खजूर खुद ही मीठा होता है। तो हम इसको बनाने का तरीका शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने खजूर को गुठलियाँ निकाल कर इसको मिक्सी में थोड़ा सा बाइंड कर लिया था, जिससे कि ये आराम से मेल्ट हो जाएगा जब हम कढ़ाई में डालेंगे इसको, और जिससे कि रोल काटने में हमको सुविधा रहेगी। फ्रेंड्स, ये हम थोड़ी सी खसखस ले रहे हैं, जो कि हम खजूर रोल पे लगाएंगे। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा उसमें कुरकुरापन और सौंधापन आ जाए। थोड़ी सी देर इसको हम भुनेंगे। जब ये हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए, तब हम इसको उतार लेंगे। खजूर के रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में घी डालेंगे। घी बहुत थोड़ा सा ही लगाना है, लगभग एक चम्मच के करीब। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब हम ये खजूर का जो हमने पीस के रखा था, इसको इसमें मिलाएंगे और उसको इसमें थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जो इसमें शुगर है, नेचुरल शुगर है, वो थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। ये हमारा कढ़ाई में हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। जो आपको मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हो, वो डालिएगा। मैंने इसमें 15-20 काजू, 15-20 बादाम और 20-30 पिस्ता डाले हैं, और लगभग 50 ग्राम के करीब किशमिश डाली है। इसमें आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं, या और जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें। अब इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। और अब इसको हम बहुत अच्छे से मेल्ट करेंगे, फिर इसके रोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे खजूर के रोल्स तैयार हो गए हैं। अब हम एक एक करके इसको इसके अंदर रोल करेंगे। इसको अच्छे से खसखस के अंदर रोल करेंगे, जो कि हमने रोस्ट करी थी, जिससे कि इसकी लुकिंग और भी अच्छी हो जाएगी। ये हमारा रोल हो चुका है। अब हम इसको एक सिल्वर फॉइल पेपर में रख के एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम इसकी गोल गोल करके कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने पांचों रोल फॉइल पेपर में पैक करके रख दिए हैं। अब हम इसको कई दिन तक अंदर रख सकते हैं, वैसे तो फ्रिज में। वैसे तो हम एक घंटे के अंदर निकाल के इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश निकालना चाहें तो उसको 2-5 दिन के लिए भी रख सकते हैं। जब भी कोई आए तभी फ्रेश निकाल लीजिए और ठंडे ठंडे सर्व कीजिए। जब मैं इसकी कटिंग कराऊंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। लगभग 2 घंटे बाद मैं इसको काटूंगी। 2 घंटे बाद देखते हैं। फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इस रोल को खोलते हैं। बहुत अच्छा रोल सेट हुआ है। अब हम इसके पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके स्लाइसेस काट लिए हैं। बाकी रोल्स के भी हम अच्छे से स्लाइस काट लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, कितने सुंदर बने हैं, बहुत ही सुंदर बने हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स में नज़र आ रहे हैं। एक बार आप बनाइएगा, खाइएगा। बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे प्रियाज मैजिक को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।